नमस्कार, आठ का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आतंकी सैफुल्ला पर यूपी पुलिस के दिए बयानों से केंद्रीय गृह मंत्रालय नाखुश है और गृह मंत्रालय का कहना है कि यूपी पुलिस को धैर्य रखना चाहिए था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जब मामले में FIR दर्ज हुई थी तो पुलिस को जांच होने तक इंतजार करना चाहिए था। जांच के बाद ही आतंकियों के नामों का खुलासा करना चाहिए था और ऐसे बयानों से IS के मददगारों के सतर्क होने की आशंका है। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके का बयान यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया उस पर नाखुशी देखी जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सबूतों के IS से उसका कनेक्शन जोड़ दिया गया। नहीं, गृह मंत्रालय का कहना है कि जिस तरीके से लगातार हर आधे घंटे एक घंटे पर रनिंग कमेटी की जा रही थी, जो ऑपरेशन चल रहा था वो रनिंग कमेटी नहीं होनी चाहिए थी। पूरी तरीके से जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाता तब पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी या पुलिस को बयान देने की जरूरत थी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो कमेटी चल रही थी और नाम लिया गया कि ISIS है, तो जो पूरी तरीके से जो प्लानिंग चल रही थी ISIS के जो भी मेंबर्स हैं, जो पूरा ग्रुप है, जो मॉड्यूल है, उसको एक साथ पकड़ने की उसमें दिक्कत है, क्योंकि आशंका थी कि कई जो मेंबर्स हैं वो यूपी पुलिस की जो लगातार जो कमेटी चल रही थी उसकी वजह से वो भाग सकते थे, फरार हो सकते थे और पूरे ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती थी। तो MHA का कहना है कि नाम लेने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेने की जरूरत थी और पूरी जब पूरी तैयारी हो जाती, जब ऑपरेशन खत्म हो जाता तभी कैमरे के सामने आना चाहिए था। जी बिल्कुल मनीष। और एक बात और गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है कि इस तरीके के बयानों से IS के जो मददगार हैं वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जाहिर है दिव्या, देखिए अगर ऑपरेशन चल रहा है और ये पता है कि किसी मॉड्यूल्स को बस किया गया है और उसमें इतने लोग हैं और ऑपरेशन के टाइम में ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, तो उसका फायदा जो आरोपी हैं, जो सस्पेक्ट हैं वो उठा सकते हैं। और यही बात कह रही है MHA कि ऐसे जो क्रूशियल जो टेरर के केसेस हैं उसमें सीक्रेसी बरतनी जरूरत होती है, क्योंकि जो लोग और इन्वॉल्व होते हैं उनको भी पकड़ना जरूरी होता है और अगर कोई भी लीकेज होती है तो उसका फायदा ऐसे आतंकियों को हो सकता है। तो इस लिहाज से, ऑपरेशन लिहाज से जिस तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेकर के गृह मंत्रालय के जो सीनियर अधिकारी हैं वो नाराज हैं। चलिए शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि सैफुल्ला खुद ही सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ था और उसके पास से 8 पिस्टल, 600 कारतूस, बम बनाने की सामग्री, टाइमर्स, तार, लैपटॉप, अंग्रेजी की किताबें, विदेशी मुद्रा, सोना बरामद किया गया है। लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित मकान में 4 लोग रह रहे थे और वहां से 3 पासपोर्ट भी मिले हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद छापे पड़े थे और ADG के मुताबिक पुलिस को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि आतंकी सैफुल्ला का ISIS या किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन था। फिलहाल 2 आतंकियों की तलाश जारी है। आज के युग में ISIS से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उसको, उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जब पूरा मकान उसका खोल के देखा गया तो उसके अंदर से काफी लंबी तादाद में असलहे, कुल मिला के 8 पिस्टल्स, 600 से अधिक कार्टिजेस, एम्यूनिशन, 62 फायर्ड, जो उन्होंने फायर किए थे कारतूस के खोखे, वो बरामद हुए। उसके साथ साथ बम बनाने के उनके इंस्ट्रूमेंट्स, छर्रे, टाइमर्स, इसके अलावा वायर्स, टेप्स और अन्य चीजें जो बम बनाने में काम आती हैं, वो बरामद हुई। यूपी के ADG दलजीत चौधरी जहां आतंकियों के तार ISIS से जुड़े होने से इनकार कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि इन आतंकियों के तार ISIS से जुड़े हैं। हालांकि कांग्रेस ने शिवराज के इन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। जो एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो ISIS का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था
अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे, उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को वारदात को अंजाम देना है ये सुनिश्चित किया था। इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस, वी डोंट थिंक दैट यू नो इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग, बट दिस काइंड ऑफ कैजुअल स्टेटमेंट ऑन ए मैटर लाइक दिस शुड नॉट बी इश्यूड बाय द चीफ मिनिस्टर और बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है।